वो कौन सी ऐसी चीज है जो लड़के गोरे या काले किसी भी हो लेकिन सबका काला ही होता है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। वो बस लेके जाती है ठीक है, उसके लिए फायर। हम लोग को चाहिए आग बुझाने के लिए तो अच्छा लगा। एक तालाब में 5 मछलियां रहती हैं, अगर उसमें से एक मछली मर जाती है तो कितनी मछली बचेंगी? मैं नहीं बताऊंगा। हाय हाय, इतना सुकून। तो तेरी खूबसूरत जवान इन अदाओं ने मारा है। तो ठीक है, आप लोग से मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल पता है ना आपको, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। हाँ, रूम लेंगे। हाँ, मतलब स्कूल का या जो भी। हाँ, वहाँ पे 2 रूम है ठीक है। हाँ, एक में लड़कियाँ रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं। लड़की नहीं है वो जादू है और का। अचानक वहाँ पे आग लग जाती है। हाँ, तो अगर एम्बुलेंस आएगी तो पहले किसे बचाएगी? हैं? तो मतलब दोनों लोग को बचाएगी, एक लोग को क्या? ओके, मैं एक्चुअली दोबारा रिपीट करता हूँ। एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 2 रूम है ठीक है, एक में लड़कियां रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं। तो अगर अचानक से वहां आग लग जाती है। हाँ, तो एम्बुलेंस पहले किसे बचाएगी? लड़की को। क्यों? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब ये नहीं, लड़कियों को क्यों बचाएगी? लड़कियों को क्यों नहीं बचा सकती? लड़की लड़के दोनों को बचाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से, थोड़ा सा सेंस वाली है, थोड़ा सा। तो हसुरतिया सुहावना चनावा में दाग ला। हम जो थोड़ा सा दिमाग, मैं दोबारा एक बार और रिपीट करता हूँ कि एक हॉस्टल है, उसमें 2 रूम है ठीक है, एक में लड़कियाँ रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं। तो अगर अचानक वहाँ पे आग लग जाती है तो एम्बुलेंस पहले किसे बचाएगी? या तो देखिए, अगर कोई कोई रहता है कि मतलब पहले लड़की लड़के। ओ यार यार, ये कितनी औसम है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर है। मैं एक्चुअली इसका आंसर बताता हूँ कि एम्बुलेंस किसी को बचाती नहीं है, एम्बुलेंस ले जाती है ठीक है, उसके लिए फायर ब्रिगेड हम लोग को चाहिए आग बुझाने के लिए। तो अच्छा ठीक है, अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, चलो थैंक यू। हाय हाय, आप लोग अपना नाम बताइए। इतना सुकून। दिव्या चौहान। आपका? नेहा। नेहा। आपका? पूजा। तो ठीक है, आप लोगों से मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक तालाब है, तालाब मालूम है ना, एक तालाब में 5 मछलियां रहती हैं, अगर उसमें से एक मछली मर जाती है तो कितनी मछली बचेंगी? 4 ही बचेंगी ना। 4? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। 5 मछलियां। अगर इतना आसान क्वेश्चन होता तो कोई आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सेंस वाला क्वेश्चन है, एक तालाब है ठीक है, एक तालाब में 5 मछलियां रहती हैं, अगर उसमें से एक मछली मर गई तो कितनी मछली बचेगी? पहली बात, मछली तब मरेगी ना जब तालाब से बाहर निकलेगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अगर उसमें से एक मछलियां मर जाती हैं तो कितनी मछलियां बचेंगी? एक तालाब है, पांच मछलियां हैं, उसमें से अगर एक मछलियां मर जाती है तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आंसर बताता हूँ इसका। एक्चुअली मछलियाँ 5 ही रहेंगे। मैंने क्वेश्चन ये किया था कि एक तालाब है, उसमें 5 मछलियाँ हैं, उसमें से एक मर जाती है तो कितनी बचेगी? मछलियाँ मर के भी उसी में रहेगी ना कि बाहर आएगी। सेंस वाला क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, ओके, एक और छोटा सा कर सकता हूँ, सेम ऐसा ही सेम। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। लगाना है बिल्कुल ठीक है। एक हॉस्टल है, हॉस्टल मालूम है आप लोगों को, तो एक हॉस्टल में 2 रूम है, एक में लड़कियां रहती हैं, एक में लड़के रहते हैं। अगर अचानक से वहां पे आग लग जाती है, एम्बुलेंस किसको बचाएगी पहले? पहली बात, एम्बुलेंस नहीं आती है ना आग लगाने के लिए। सही पकड़े हैं, पकड़ी है। बिल्कुल राइट आंसर है कि एम्बुलेंस नहीं आएगी, वहाँ पे आना चाहिए तो फायर ब्रिगेड आना चाहिए, बाद में एम्बुलेंस आती है जब सब कुछ हो जाता है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था।
क्या नाम बताया था आपने? नेहा गौतम. नेहा गौतम आपका? दिव्या आपका? मिलकर आपको अच्छा अच्छा लगा. थैंक यू. तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए. क्या नाम है आपका? सहीर अहमद. सहीर अहमद. आपका भैया? काशिफ अंसारी. काशिफ अंसारी. ठीक है, आप लोग दोनों के लिए एक मेरा क्वेश्चन है प्यारा सा. वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लड़के गोरे या काले किसी भी हो लेकिन सबका काला ही होता है? हंसने की जरूरत नहीं है, बस नहीं, बहुत सारे लोगों की ब्राउन भी हो जाती हैं. आप लोग देखा हो किसी को ब्राउन होते हुए? मैक्सिमम लोगों की होती है ब्लैक ही. ये सबकी काली होती है. परछाई. शाबाश. थैंक यू. एक क्वेश्चन और है. हां जी जी. ठीक है, वो कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे अमीर हो या गरीब सब लोग कटोरे लेके खड़े होते हैं? गोलगप्पे वाली जगह. सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान देते हैं आजकल, है ना, तभी इनको पता है बहुत अच्छे से. बिल्कुल सही राइट आंसर है, गोलगप्पे वाली दुकान. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. सो गाइस, अब भी हमें मिले हैं बहुत ही प्यारे से भैया. तो भैया से एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा सा. ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो लड़का लड़की को शादी के बाद देता है पर बाद में वापस कभी नहीं लेता? आप भी इधर आइए, आप दे सकते हैं, मुश्किल नहीं. अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप और इधर ही खड़ा, दोनों लोग एक साथ कर सकते हैं. चलिए, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़का लड़की को शादी के बाद देता है और फिर कभी वापस नहीं लेता है? बताइए आप भी. दिमाग यार. पायल भी नहीं हो सकता, मंगलसूत्र भी नहीं हो सकता. मंगलसूत्र अगर आपको जरूरत होगी तो आप ले सकते हो. क्या ले सकते हो ना फिर? लेकिन ऐसी चीज है, मतलब ये एक परंपरा है कि आप लेंगे ही नहीं, मतलब लिया ही नहीं जाता है. ठीक है, वो उन्हीं का हो जाता है. सिंदूर. सिंदूर. आप सिंदूर शादी के बाद देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं? हो सकता है आपका आंसर कुछ हद तक सही है. तो क्या आप कंफर्म है इससे कि ऐसा होता होगा? सिंदूर. हाँ सिंदूर. सिंदूर. हाँ, मैं एक बार और बोलता हूँ फिर आप बोल दीजिएगा सिंदूर. कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़का शादी के बाद लड़की को देता है फिर कभी वापस नहीं लेता है? सिंदूर. तो भैया का आंसर है सिंदूर, लेकिन इसका एक्चुअली राइट आंसर है सरनेम. मालूम है आपका सरनेम, उपनाम. आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते हो? आपका पूरा नाम क्या है? ताहिर. हाँ ताहिर. और आगे? अली. अली. इनके साथ आप बाद में कुछ जोड़ोगे शादी हो जाने के बाद? हाँ समझ गया. जैसे मेरा नाम पवन है, ठीक है, मेरा नाम पूरा पवन पांडे. तो जब मेरी शादी होगी तो मेरी जो मतलब वाइफ होगी उसका भी नाम मेरे नाम के जो सरनेम में उससे जुड़ जाता है, और वो हमेशा जब तक लोग मर नहीं जाते तब तक रहता है उसके साथ. ठीक है, वैसे सिंदूर भी हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन राइट आंसर ये. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. थैंक यू. क्या नाम बताया आपने? ताहिर. ताहिर. बहुत अच्छा भैया ने आंसर दिया. इनका भी आंसर हद तक सही है, लेकिन राइट आंसर होता है सरनेम या उपनाम. थैंक यू भैया. चलिए.